तमन्ना वो तमन्ना है जो दिल की दिल में रह जाए, जो मरकर भी ना पूरी हो उसे अरमान कहते हैं, जो देता रहता है धरने उसे कप्तान कहते हैं। लोड शेडिंग ने कर रखा है नाक में दम, बढ़ चुका है गर्दिशी कर्जों का हुजम, बढ़ता जा रहा है शॉर्टफॉल, मगर किसी को नहीं है मलाल। कुंडी ना खड़का सोने सिद्धा ही अंदर आज, तू अंदर नहीं आना था झाक आसमानों का। नून लीग की परफॉर्मेंस पर काफ लीग को है एतराज, पर मेरे दिल की है आवाज, अब तशरीफ लाएंगे नमान जास। अस्सलाम वालेकुम, मुज़ाकरात की तरफ से आप सब लोग जो इस वक्त यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं, आपको वेलकम वेलकम। और वो मेरे दोस्त अहबाब और मेरे नाज़रीन जो टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हैं, उन सबको सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतना सराहते हैं हमारा प्रोग्राम, बड़े शौक से देखते हैं और बड़ी प्यारी प्यारी बातें और नसीहतें हमें करते हैं कि हमें अपने प्रोग्राम में ये भी चीजें डिस्कस करनी चाहिए। और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम में मजाया बात तो करते ही करते हैं, लेकिन कोई एक आधी अच्छी और खूबसूरत बात भी कर दें। और आज की खूबसूरत बात यह है कि इंसान कितना बुजदिल है कि सोते हुए डर जाता है और जाग जाता है, और इतना बेवकूफ है कि जागते हुए भी अपने रब से नहीं डरता। यह बिल्कुल सही बात की, सोते हुए बंदा घबराया होता, नेक होके सोंदा है, सुबह उठ के फिर बेईमानियां शुरू। अरे जागते हुए दूध में पानी डाल के बेच लेते हैं। नुमान भाई यही तो बात है कि चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। मरन दे चिड़ी नू, कितने सौ प्रोग्राम हो गए चिड़ी मरी नहीं रही। यार कहने का मतलब ये है कि सोते में बंदा जैसे अल्लाह मियां से डरता है, ऐसे जागते में डरना शुरू हो जाए तो हमारे मुल्क पे कोई आफत ना आए। नुमान मियां, नेकी की बुनियाद ही अल्लाह का खौफ है, अगर वो ही नहीं तो काहे की नहीं। अल्लाह मियां, आप लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं हम सबसे, यानी आप बुराई का सोच लें, सोचते रहे कुछ भी नहीं होगा जब तक आप करना ले करे ना, नेकी सिर्फ सोच ले तो वो लिखी जाती है। बिल्कुल बड़े बाबा, बड़ी 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 अच्छी बात है। तो कहने का मकसद यह है कि खौफे खुदा होना चाहिए, खौफे अल्लाह होना चाहिए हमारे दिलों में, ना कि खौफे इंसान। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उलट चल पड़े हैं हम, अल्लाह से नहीं डर रहे, इंसानों से डरना शुरू कर दिया। हाय हाय हाय, दुनिया के सामने चरस पीने ने पोलो सही सिगरेट सुटता, एस एच ओ को डर नहीं अल्लाह को नहीं डर। हाँ हाँ, जिन्हें एस एच ओ बनाया है, ये बात है। एस एच ओ तो बन लीजिए साढ़े पिंड इधर पांड वाले पास, वो तो खराब से बनते ने, खराब से नहीं वो चंगे नहीं जो टुट जाते हफ्ते बाद। बड़ा एस एच ओ खरीदे ना, बड़ा एस एच ओ चाइना थोड़े बना दे, साढ़े बने देसी लकड़ी दे, रेट बहुत वो असी बेचने थोड़ा होंगे ने, असी अपने लिए बनाने दो दर्ज एस एच ओ, अपने लागे डाकू डूकू मारे फिर सार सूड़ के चाह अग बना ले। हूं तो नुमान भाई देसी एस एच ओ लभदा ही नहीं, ब्रायलर ने सारे। अजी आपको पता है एस एच ओ का मतलब क्या है? बताएंगे तो पता चलेगा ना न्योले मियां। एस एच ओ का मतलब ये है कि फेंटी खा सामने आ सजना। एस एच ओ क्या मतलब है? सौ रुपया है यू। वाह 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 वाह, ठाकर भाई ने थाने च मार पई, क्या उन्होंने फड़ के बंद किया, बाहरों कुंडी लाने लगे, कहंदा रहन दो मैं अंदरों ला लेना। आज ये बात नहीं हुई थी, इनको अच्छा। एक सिपाही मारे, पहले रेगमाल फेरे फिर मारे, हमने कहा भी क्यों, कहते जी पहले मैं साइकिलों को पंचर लगाता था। वो तो बड़ा पागल था, मुझे उसने सर से पकड़ के वो पानी वाले टप में दे दिया, अच्छा। बाहर निकाल के कहना हूं बुलबुले कटेगा। मैनू भी थाने फड़ के ला गए, अच्छा। एक बंदा मैनू कहंदा इधर आ, मैं आराम ना बह, तू इतने थानेदार लगा,
वही थानेदार लगा। वैसे कभी इत्तेफाक हुआ है पुलिस से, कभी वास्ता पड़ा? अजी मैं तो एक दफा पकड़ा गया था फिल्म देख के आ रहा था, तो मुझे कहने लगा कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा फिल्म देख के। कहने लगा कहानी क्या थी? मैंने सुना दी। तो कहने लगे और क्या था? मैंने कहा चार गाने थे। कह रहे गाने सुनाओ। वो मुझे याद नहीं थे, जो भी थोड़ा बहुत मैंने सुनाए। अच्छा। तो कहने लगे उस पर डांस भी हुआ था? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे डांस करके दिखाओ। बस मैंने डांस करके दिखाया। अच्छा। फिर वो चित्र वो चित्र नाज़िम आज मुज़ाकरात में जो शख्सियत जलवा गर हो रहे हैं, दबंग दिफाई तजिया कार हैं, बहुत सी जंगें लड़ी, DGISI समेत फौज के आला ओहदों में फाइज रहे, बहुत सारी थालियों में प्लीज वेलकम कीजिएगा। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे तशरीफ लाए हैं जनरल रिटायर्ड हमीद गुलचा। थैंक यू वेरी मच। हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते सर, अपनी तरफ से आपको और पाक फौज को सलूट करते हैं। थैंक यू सखावत, बहुत शुक्रिया। अमानुल्लाह साहब, ठाकुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। एंड ऑफ कोर्स राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। वो आपको वो मेरी रिटायर्ड वाली बात अच्छी नहीं लगी सर? जी मैं ना रिटायर्ड हूँ ना टायर्ड हूँ, मैदान में खड़ा हूँ, पाकिस्तान का जर्नैल हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कौम का, और जब जरूरत पड़ेगी आएंगे मैदान में, आएंगे मैदान में है। मोदी साहब को भी पैगाम देना चाहते हैं अक्रॉस द बॉर्डर। पाकिस्तान जिंदाबाद। ए मोदी, हर चीज मोदी ना करवा भाई। आप रिटायर नहीं है तो हम भी कुछ जले हुए टायर नहीं। हम भी इंसान आपके साथ हैं। अब मैं जिस मेहमान को बुलाने वाला हूं उनके बारे में क्या कहूं कि फैशन इंडस्ट्री की सुपर मॉडल हैं, इंसिग्निया हैं, ट्रेडमार्क हैं, यानी कि आप जब उनको देखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि शी इज द टॉप मॉडल। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा वनीजा अहमद अली साहिबा। आप दोनों मेहमानों को सर वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू मेहमान, इट्स माय प्लेजर टू बी विद यू। सर वैसे तो माशाल्लाह बहुत सी जंगें लड़ी आपने, और ये मेरे जो हल्के फुल्के प्यारे मासूम से जो जर्नैल हैं, मुज़ाकरात के जो जनरल हैं सर, इनके बारे में क्या कहेंगे सर? आज क्या सम्मान करेंगे इनके साथ? नथिंग बट एप्रिसिएशन फॉर देम। वजह यह है कि ये एक दुखी परिमुर्दा एक मायूस कौम को हंसाते हैं। इनको पता है कि कौम का दुख क्या है। मुझे याद है कि मैंने बचपन में कहीं एक फिल्म देखी थी ब्लू एंजल के नाम से, शायद आपने भी देखी हो, कर्ट जर्गेंस ने उसमें काम किया था, और वो एक मस्खरे का किरदार अदा करता है, वो एक लड़की के लिए करता है, लेकिन ये एक कौम के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो तो दाढ़ी भी रखी हुई है, ये दहशतगर्दी के जुमरे में ना आ जाए। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, ये आप समझें कि सेबे वाला बम है। आपको पता है आप खुद बेरेश है, लेकिन सब रेश वाले आपसे मोहब्बत करते हैं। अरे ये अफगानिस्तान में होते थे, उसे बम पोले करके देंगे सर। वो जी तीन बच्चे थे, मैं साथ ही ले आए। सारे तिना ने वेचना है कि चलिया भी लाया। जैसे पाक फौज के पास हर तरह का असला है, हमारे पास भी एक शुरली है। I always enjoyed, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा आप लोग काम करते हैं कि पहले मैंने वही बताई थी, मैं डरी हुई थी, लेकिन जब मैंने वो हसन शेरियार से मेरी बात हुई, उसने मुझे बताया वो जमीन पे लेट कर हंसा है इधर। और मैं वैसे भी आपका शो देखती हूँ माशाल्लाह, जैसे इन्होंने कहा आप इतना अच्छा काम करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, इट्स कमेंडेबल माशाल्लाह। आपके बारे में एक लफ्ज इन्होंने कम कहा, कादावर शख्सियत। मेरे से आधा इंच बड़ी है अभी मैंने पूछा।
नहीं आप डरी क्यों थी, क्या आपने चाचे को ख्वाब में देख लिया? ये तो चाचे को देख के नहीं डर रही, वो सोच रही कि ये कोक आपका न्योला किधर आ गया। सर आजकल मीडिया और जो हमारे सरकारी इदारे हैं और स्पेशली जो हसास इदारे हैं, एक बड़ी कॉन्फ्लिक्टिव सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से हम लोग अवाम बहुत अपसेट हैं एंड वी आर नॉट हैप्पी। ये क्या है सर, व्हाट डू यू फोरसी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देखिए गुज़श्ता कई सालों से बहुत सारी चीजें होती रही और उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट यानी जमा शुदा ये एक लावा था जो एक वक्त तो आना ही था, लेकिन इसका जो बहुत जबरदस्त असरात हुए तो वो जो 8 घंटे जो चलाया जियो ने अपने चैनल के ऊपर, वो बिल्कुल ही नाजायज चलाया, टू टेल यू ऑनेस्टली वो गलत था, ऐसे कभी भी नहीं होता। और मैं उनका कसूर नहीं समझता जियो का, जो पैमरा का कसूर है वो बहुत ज्यादा है। दूसरे दिन वाजे कर दिया परवेज रशीद साहब ने कि हम गुलेल वालों के साथ नहीं दलील वालों के साथ खड़े हैं, और नवाज शरीफ जो उनके पास गए हैं, बड़ी अच्छी बात है गए, हमने उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन आप दलील वालों के साथ जरूर खड़े, हमें सबको दलील वालों के साथ खड़े होना चाहिए, तजलील वालों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। तो ये तजलील वालों के साथ खड़े हुए, एब्सोल्युटली राइट। आईएसआई के बारे में बहुत शकूक शुभात थे, मैंने हेड किया है, वो आपके अपनी एजेंसी है, वो रियासती एजेंसी है, वो कौम की एजेंसी है, हुक्मरानों की जेब की घड़ी और उनके हाथ की छड़ी नहीं है, ये समझिए आप। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वनीजा अहमद अली साहिबा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे, जब छिड़ गया कयामत का बात पहुंची तेरी हुकूमत तक, तेरे बढ़ते हुए खजाने से मेरी बढ़ती हुई जरूरत तक, मुझे बिछड़े हुए निवाले से जो न मिल पाए उस सहूलत तक, हाय 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 आ। सर इन्हें बताएं कि जितना बड़ा फौजी हो घर में हुक्मरानी हमेशा बेगम की होती है। सर बिल्कुल बिल्कुल, वो फील्ड मार्शल है मेरी तो बीवी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। वनीजे जी माशाल्लाह साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की है ना, और फिर फैशन को प्रोफेशन बना लिया, तो ये क्या किसी ने इंस्पायर किया आपको या कोई मखसूस नशिस्तें थी जिनकी वजह से आपको? आई थिंक किस्मत उस वक्त उस तरफ लेकर जा रही थी। सबसे बड़ी हूँ मैं अपने खानदान में, वो तो लग भी रही है, है ना। बाकियों को आपने देखा नहीं है, आपकी हाइट माशाल्लाह इतनी है, आप क्रिकेट टीम में हो तो 10 ओवर 21 साज कर सकते। Somebody approached you for that? जी कॉलेज में, कॉलेज में ही शुरू हुआ था नीलोफर शाहिद के साथ। अच्छा ओके, तो बस उसके बाद वो एक वालिद साहब की वफात जरा जल्दी हो गई थी, तो जरा घर में मेरा ख्याल है अम्मी के साथ हाथ बटाने का मुझे जरा शौक था, तो इसलिए मैंने बिजनेस शुरू कर लिया, वहां से बस कैरिड ऑन कैरिड ऑन। बिल्कुल। एंड हाउ मेनी इयर्स? 20 साल। 20 साल हो गए माशाल्लाह, 20 साल रैंप पे, रैंप पे, और फिर अपना बिजनेस लॉन का बिजनेस। अजी वो भी डिस्कस कर रहे हैं। अब आप किससे इनकी एज का अंदाजा ना लगाएं। सर मेरी तो शादी थे। माय वाइफ एंड दे दे वर टुगेदर। सर पाकिस्तान की जो ऐसी गल सुनी के भाभी का बड़ा रो वे पहन ते, सच्ची गल भाभी दरवाजा नहीं खोल दी, सारी रात चौकीदार ने गल्ला करते रहे, बच्चों को नहीं पता होगा कले की नेरे च मुरम्मत होती नुक्कर च, कहां से आए? मैंने अभी तो आया हूं, अभी तो आया। सर इन्हें बताएं कि जितना बड़ा फौजी हो घर में हुक्मरानी हमेशा बेगम की होती है। सर बिल्कुल बिल्कुल, वो फील्ड मार्शल है मेरी तो बीवी। अच्छा मुस्तकबिल देखते हैं पाकिस्तान? पाकिस्तानी का तो मुस्तकबिल है, मैं बात कहता हूँ लोग हैरान होते हैं, मैं कहते हैं डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान इज द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। सर सलबोधा आबाई गांव,
जी साथ के स्कूल का पढ़ा हुआ एक आदमी हमीद गोयल, डांट भी नहीं था वहां पे, कहां डांट था, चार कॉले और उसके ऊपर छप्पर था। मैंने अपना स्कूल वहां बनवाया अल्लाह के फजल से, अपनी एफर्ट से, अपने दोस्तों को मिला के, और मैंने फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दिया था। आजकल उसको मैंने गर्ल्स कॉलेज बनाया था, वो मैं उसका जिक्र नहीं, क्योंकि उसमें यतीम खाना पाकिस्तान में लड़कियों के लिए कोई है ही नहीं, हालांकि लड़कियां भी उतनी ही यतीम होती हैं जितने लड़के होते हैं। तो अब मैंने तुर्की की एक वो थी अल खुबैब नाम से, उनके साथ मामला करके और उनके हवाले किया। चाचा भी स्कूल में पढ़ता रहा है बहुत। चाचा स्कूल में पढ़ता नहीं था, चाचा तख्ता स्याह था वहां। चाचा चाचा चलाए अज भी बुलाते ने, हां कि स्कूल का चक्कर ला जाओ डेंगी ते मरे। चाचा जहां पढ़ता था ना वो भी सादा स्कूल था, जिधर छांव होती थी स्कूल वहीं शिफ्ट हो जाता था। चाचे का स्कूल में सबसे ज्यादा क्या फायदा था, क्या कि स्याही नहीं कहीं से लानी पड़ती थी, चाचे में डोबे लगा लगा के लिखते रहते। चाचे की कदर पूछनी तो मौत के खूह तो पूछो, क्या उसे खुश रहे इंज तैयार होंगे से इंज कर। कौन सा ऐसा मिली नगमा ऐसा जिसको सुनते हैं तो आप आपका एक अजीब सा मुराल हो जाता है और एंड यू रियली वो आपको एक किक देता हो? बहुत से हैं, लेकिन मेहदी हसन साहब का अगर आपको याद हो तो पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का, नज़्मो ज़ब्त को अपना मेरे कारवा जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन मेहमानों के साथ मजेदार बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हुआ है आज के सवाल का। और आज का सवाल यह है कि 1992 में जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबेन, उसमें लास्ट विनिंग कैच पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी ने पकड़ा था? मोबाइल फोन उठाइए, एसएमएस कर दीजिए उस खिलाड़ी का नाम जिसने लास्ट एंड फाइनल विनिंग कैच पकड़ा था पाकिस्तान की तरफ से 1992 के वर्ल्ड कप फाइनल में। दुनिया टीवी की वेबसाइट पे भी आप जवाब लिखकर भेज सकते हैं, फेसबुक पे नहीं। लेकिन शर्त वही है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने से पहले हमें आपका जवाब मिल जाना चाहिए अगर आप जीतना चाहते हैं। रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई मोटरसाइकिल, जीत लीजिए। ये आलम शौक का देखा न जाए, घर पर एक दफा देखा न जाए, अकेला जिसने हमको आग में है मुल्क से भागता देखा न जाए, कि हमसे तो बिना मेकअप के डीजे कोई ख्वाजा सरा देखा न जाए। मैंने कहा दूसरा बम आया, वो हमारे जो घोड़े थे उधर गिरा, उनकी टांगे खराब हो गई, कोई बात नहीं आराम करो कल जवाब देंगे। जब बम आया ना जी तो करेलिया वाली पैली वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सर, आपने हमेशा सियासी इतिहाद बनाए, कभी खुद एक सियासी पार्टी नहीं बनाई। मैंने कहा था कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है ये। मैंने तमाम ये जो सियासी मजहबी जमातें हैं उनसे कहा है कि आप मुझे कोई एक कुरान की आयत बता दें जिसके मुताबिक आपने इक्तदार हासिल करने के लिए ये आपने पार्टी बना सकते हैं। तो मैंने कहा आप गलत कहते हैं, वो सूरह आले इमरान की एक बता देते हैं आयत 104-103 के, तुम अच्छाई का साथ दो बुराई को, तो प्रेशर ग्रुप होता है वो पार्टी तो नहीं है। तो फिर मैं जब इनको कहता हूं बहुत आग लगती है कि भाई आपकी मंजिल इस्लामाबाद है, इस्लाम नहीं है, इसलिए आप ये काम छोड़ दो।
ये जो ब्राइडल वीक्स मनाए जाते हैं ये वो, उनमें भी जो कपड़े अब रैंप पे जो दुल्हन का जोड़ा है जी बिल्कुल, अब वो दुल्हन दुल्हन नहीं लगती है। नुमान भाई एक वजन ही एटा होता है, बिल्कुल सही बात है। 1 किलो का लहंगा बिल्कुल सही ना, रोटी कितने फिरन जोगी ना उठन जोगी। वो जो एक घूंघट का एलिमेंट और वो एक के नई नजर आना, वो एक खत्म हो रहा है, मेहंदियां भी खत्म हो रही है। अगर आप वो तो फंक्शन के दौरान ही दूल्हे का दिल जो है ना वो उससे भर जाता है नहीं इसी के अनफॉर्चुनेटली हाँ ऐसा हो रहा है। हमारे चाचे की शादी हुई तो लोगों का शादियों से दिल भर गया। कितने पैसे लगते हैं शादियों पे? दो गोलियां यहाँ फैशन सीखने के लिए आई थी, हाँ। सिर्फ दो लफ्ज सीख के चली गई, क्या बट्टी आ गई, बट्टी चली गई, बट्टी आ गई। और चाचे का अपने ब्याह वाले दिन हादसा हो गया, राम काला उतो होया सी, ओहो पक दी देख थले सिगरेट लाने चले गए। हमारे जो मेल मॉडल्स हैं ये रैंप पे साड़ियां पहन के वॉक करने लग गए हैं अब, तो ये भी गोरों को मुतासर करने के लिए है? ये फैशन की किस सिंफ में फॉल करता है ये, ऐसे टूल बताइएगा। ये बस कि कुछ हटके करना चाहिए, दैट्स द प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो आ रहा है। और आई थिंक इट हैज अ लॉट टू डू विद ये जो जर्नलिस्ट हैं वो हमेशा कहते हैं अब आपने नया क्या किया। हैव यू सीन दैट? हाँ नहीं मैंने नहीं देखा। आप आज मुगलाई दौर पे देखें तो मर्दों का एक फैशन होता था, ज्वेलरी भी वो पहनते थे, तब दुपट्टे भी वो पहनते थे, बड़े बड़े दुपट्टे भी पहनते थे। आजकल भी नवाब करते देखे ना उन्होंने भी, हाँ बिल्कुल किले ने बेच की मौत खूब लगा होना। चाचा भी मॉडलिंग करता था मोबलैल की, आयोडेक्स। मोबलैल नहीं होता मोबलैल, मोबलाइल नहीं। अठवंजा साल का हो गया अज भी स्ट्रॉबेरी कहना स्ट्रॉबेरी नहीं अंग्रेजी आती रह बच्चे इन्हें का फल है लपया नहीं आया लाया स्ट्रॉबेरी लफ्ज है स्ट्रॉबेरी। नहीं खाधी उन्होंने ना तो आंदा नहीं इन्हें बीजी अपने घर च एक्टिंग भी की माशाल्लाह थोड़ी सी थोड़ी सी। एक सीरियल में सरकार ने मेरी बेगम का किरदार अदा किया हुआ है। और जब लो जान छुटेगी तो साड़ी वाली हो तो फिर आप चार कुड़िया ने इश्क करी जाते ने ड्रामे। चलो बंदा अपनी नहीं तो नाल दें इज्जत का ख्याल करना, नौकरानियां भी आपने शूटिंग का वो मंजर नहीं देखा हुआ क्या कि बीवी रोल कर रही है और जब सीन खत्म हुआ तो वही वाइफ जो जाते हुए कह के ओके नौमी भाई अल्लाह हाफिज़। जैसे दो हीरो देखे मैंने अंगूठे में मुंदरी पहनते हुए, एक नुमान इजाज़ साहब, एक ढोलकी बजाने वाले को। एक बात बताना चाहता हूँ इसकी बहादुरी की, ये हमारे मौजूद हैं इनकी भी कोई बात सुन लीजिए। ये भी एक दफा फौज में थे और दुश्मन के सिपाही की बाजू काट के ले आए, उनको अभी गर्दन क्यों नहीं काटी थी, वो किसी और ने काट दी। मैं फौजी बैंड जी सर जी, मैं म्यूजिक का आदमी सा फौज से चला गया, मैंने जबरदस्ती भर्ती किया गया कि भाई तुमने फौज में आना है हमें क्रेडिट होगा। मैं कहा जी फिर मेरिया वर्दियां म्यूजिक के लोग सख्त संख नहीं होने चाहिए, चिट्टे पजामे कुर्ते अंगूठे वाली चप्पल जो तो जंग लगे साडा मोर्चा छावे हो गए। अभी तय हो ही रहा था कि मैं मुलाजम हो गया, साइन कर दिए मैंने, जंग शुरू हो गई। एक बम आया इधर गिरा, मैंने कहा बॉस जनाब ऑफिसर थे जो हमारे जनरल साहब ये जुल्म कर रहे थे, चलो छोड़ो यार सो जो आराम से, ऐसे होता रहता। मैंने कहा दूसरा बम आया वो हमारे जो घोड़े थे उधर गिरा, उनकी टांगे खराब हो गई, कोई बात नहीं आराम करो कल जवाब देंगे। जब बम आया ना जी तो करेलियां वाली पैली मैं म्यूजिक का आदमी था, इन्होंने कहा करेलियां वाली पैली में बम गिरा है, वो भी म्यूजिक के आदमी थे हमारे चैनल का, उन्हें जब कोई माफी नहीं बर्बाद कर दो।
ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਜੇ ਬੰਬ ਫੇਰ ਵੀ ਖੈਰ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਭਾਰਤ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਜੰਗੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਹੋਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ, ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵਹੀਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਥੀ। ਮਧੂਬਾਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਥੀ। ਹਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੋ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕੋ ਮਧੂਬਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਧੂਬਾਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਥੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ 1965 ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮੇ ਯਹਾਂ ਆਇਆ ਕਰਤੀ ਥੀ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਸਿਨੇਮਾ ਮੇਂ ਲਗਾ ਕਰਤੀ ਥੀ। 20 ਇਅਰਸ ਆਫ ਮਾਡਲਿੰਗ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਯੂ ਗਾਟ ਮੈਰਿਡ ਦੈਨ? 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੋ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰ ਬੜੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਔਰ ਬੜੇ ਡੀਸੈਂਟ ਸੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਹੋਣੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਮੇਂ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੀ ਅਭੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਅੱਲਾ ਕਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਭੀ ਕਹਾ ਹੋ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਯੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮੇਂ ਜ਼ਰਾ ਕੈਟ ਵਾਕ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਨਾਇਆ ਜਹਾਨ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਕਿਆ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਸੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਨਾਇਆ ਇਨਾਇਤ ਸੇ ਹੈ। ਇਨਾਇਤ ਸੇ ਔਰ ਮੁਝੇ ਫੀਲ ਹੋਤਾ ਕਿ ਵੋ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਇਨਾਇਤ ਹੈ। ਅਰੇ ਵਾਹ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਗਾ। ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਨੀਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦ, ਅਲੀ ਸਾਹਿਬਾ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਯਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਤੇ ਹੈਂ। ਜੀ ਡੀਜੇ। ਹਮਸੇ ਬਦਲ ਗਯਾ ਵੋ ਨਿਗਾਹੇਂ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਵੋ ਖੁਦ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਸਿਆਸਤ ਕੀਏ ਬਗੈਰ, ਕੈਸਾ ਹੋ ਅਗਰ ਮੌਜੂਜ਼ਾ ਯੇ ਰੂਨੁਮਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਏ ਹਕੂਮਤ ਕੀਏ ਬਗੈਰ, ਡੀਜੇ ਸਹੂਲਤੋਂ ਕੇ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਲੋਗ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਏ ਬਗੈਰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਜੋ ਬੰਬ ਆਪਨੇ ਫੈਂਕਾ ਯੇ ਆਪਕੇ ਸਟਾਰ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ویلکم بیک ٹو مذاکرات۔ سامع جی بتائیے گا، جنرل صاحب کے ستاروں کے حوالے سے تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے، کیا کہتے ہیں ان کے ستارے؟ اچھا جی، نعمان زمانے نوجوانی سے ہی اگریسو تھے مزاج، گسے والے تھے یہ۔ وہ ہلکا یارہ تو بریشم کی طرح نا، یہ نہیں اگلی لائن ہے، یہ نہیں بولیں گے، فولاد یہ نہیں بولیں گے۔ جی اچھا، یہ جو لائن جنہوں نے کہا، شعر سنایا، وہ میں نے یہ لائن لکھی تھی ان کے لیے کہ دوستی اور دشمنی دونوں میں ایکسٹریمسٹ ہیں، جو کہ وچ از ویری گڈ، دوستی بھی جس طرح نبھاتے ہیں دشمنی کو بھی توڑ پہنچاتے ہیں۔ یہ ان کا ایک مزاج جو ہے وہ ان کے ذائقے میں جو ہے، جو انہوں نے شعر سنایا وہ بالکل وہی لائن ہے جو کہ بالکل فٹ بیٹھ ہوئی ہے ان کے۔ اچھا، یہ اگر یہ بارڈر تے ہونا تو لڑائی ہوگی بھی تو رک بھی جائے۔ کہنا دیکھیں یہ جو بم آپ نے پھینکا یہ آپ کے سٹار میں نہیں ہے۔ آپ کے جو ذائقے بتا رہے ہیں یہ توپ کے دائیں بائیں گھومتے، ان میں سے نکلنے والا جو سٹار ہے نا وہ ادھر لگے گا تو پھر جا کے یہ سیدھا ہوگا۔ آپ کو یہ سارا کچھ محنت کرنے سے نہیں ملا، آپ نے خود پہلے ٹینک کو تیل دیا ہے، اس کے بعد اس میں یہ روانگی آئی۔ ہاں، پہلے آپ کی منگنی رانی توپ سے ہوئی تھی، پھر دو ٹینکوں سے ہوئی، وہ نکل گئی آپ کے ہاتھ میں، اب کوئی لکیر نہیں۔ سر، لو میرج، ارینج میرج؟ نہیں، ارینج میرج تھی، میں نے تو اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ جی سامنے جی، کیا کہتے ہیں؟ بتائیں جی میرے ستارے، آپ بتائیں میرے ستارے۔ ویری ویری ڈیفیکلٹ ونیزہ احمد علی، میں بھی بتاتی ہوں کیوں ڈیفیکلٹ کہہ رہی ہوں۔ اچھا، آپ ونیزہ کہتی ہیں تو کوئی لگتا ہے کوئی آئس کریم چاہیے، ونیلا کہہ رہی ہیں۔ مزاجن بڑی پرفیکشنسٹ جو ہے نا، کہ کام میں معافی نہیں ہے اگر اس میں جو ہے مطلب نقادوں وہ نہیں ہوتے، بڑا کرٹیکل انالیسز ہوتے ہیں اپنے کام کے بارے میں جو ہے، بٹ ویری مطلب بڑی ریسپانسبل جو بہن بیٹی اپنی فیملی کے لیے، بہت ہی لائل قسم کی بیگم، اور بڑی اوور پروٹیکٹیو مدر،
अरे काश मेरा मियाँ ये शो देख ले। और इतनी ब्लेस्ड है रिश्तों के मामले में कि लोगों को खानदान से प्यार मिलता है, ये ससुराल में बड़ी लाडो पाडो रहेंगी जो है। बिल्कुल सही कह, और बहुत अच्छा इनके माशाल्लाह 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 मेरी सास और नंद बहुत अच्छी है। वाकई मुझे लगता है कि मेरी सास मुझे शायद मेरी माँ से ज्यादा मेरा ख्याल रखती है। इनकी सास के लिए तालियां। अभी सानिया जी ने कहा परफेक्शनिस्ट, दैट इज द रीजन यू टुक यू डिलेड योर वेडिंग टू फाइंड द राइट गाय एंड मे बी आई डोंट नो कि राइट गाय से, कि मेरा ख्याल है कि ये सितारे अल्लाह मियाँ ने जोड़ियां बनाई नहीं है, वो जब होना है वो होना है। मैं अपने मियाँ से आज से 20 साल पहले मिली थी। अच्छा। लेकिन वो बाहर शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद मतलब के उनका इंतजार ही किया कि वो वापस आए तो हमारी शादी हो गई। क्या चीज ऐसी पसंद आई उनमें? उनमें सब कुछ। आप कहते हैं कि उस आदमी में और कोई खासियत न थी, हाँ इतना जरूर है कि अच्छा लगा मुझे। वाह वाह वाह। बेटा इंस्पायर नहीं होना, 24 घंटे च ना कोई 10 को सेकंड सियानी गल करता है। और अब ये भी हो जाए क्योंकि वो 10 सेकंड गुजर। फिटनेस के लिए अभी भी वर्कशॉप और ये चीजें और खुराक के हवाले से? आज मैं तो नहीं, मैं कम खाता हूँ बस इतना एहतियात करता हूँ, लेकिन पहले मैं वर्जिश किया करता था और वॉक भी करता था फजर की नमाज के बाद। अब जरा कुछ दिनों से पता नहीं क्या, मैं दोबारा आई वॉन्ट टू रिवर्ट बैक। एक बात कहना चाहता हूं आप के रिकॉर्ड के लिए, शायद कोई और ना कहे, ये जिस ISI को आज मुर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है, जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, ISI ने अमरीका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। याद रखिए, जन साहब हमें पता है कितनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला है। थैंक्स अ लॉट, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, हमें हम सबको बल्कि पूरी कौम को ये इज्जत बख्शी आपने। थैंक यू वेरी मच। बहुत सही चालू जन साहब के लिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी DJ, अपने बयान से पैदा फिर बहाम किया है, फिर रिफ्तगा को मूरत इल्जाम किया है, यूं लगता है जैसे फकत आराम किया है, एक साल में ना कोई बड़ा काम किया है, ना लोड शेडिंग का ही इख्तिताम किया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। हाय, वो आदत पै गई सोने दी, वो घर पखे गए रोने दी, वो आदत पै गई सोने दी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। 28 अप्रैल यानी कि 28 अप्रैल को हमने एक सवाल पूछा था कि हमने अपना पहला प्रोग्राम मुज़ाकरात जो किया था उसमें हमारे गेस्ट कौन थे, तो अली नसीर साहब जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है उन्होंने सही जवाब लिखकर भेजा कि हमने मुज़ाकरात का पहला प्रोग्राम शेख रशीद साहब के साथ किया था और वो हैं विनर रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई मोटरसाइकिल के बहुत सारी तालियों में सर वेलकम कहते हैं। आइए अली भाई। अरे गोजी, आपका ताल्लुक भी रावलपिंडी से और उनका ताल्लुक भी रावलपिंडी से? जी बिल्कुल। तभी पहचान लिया तुझे। आपने उनसे जाकर पूछा था या खुद ही बता था? नहीं, खुद ही बता दिया था, वालिद साहब ने बताया था। तो घर में देखते हैं मुज़ाकरात? जी बिल्कुल, मैं और मेरे फादर डेली देखते हैं, मतलब जब भी 3 days a week इसको देखते हैं हम। क्या आपको बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी तालियां बजाइए, इसको स्टार्ट कीजिए और वहां तक चला चले जाइए। बहुत सारी तालियां मेरे भाई के लिए। यहां बताता चलूं 29 अप्रैल के प्रोग्राम के विनर का नाम, उनका नाम है अब्दुल लतीफ मुगल और अब्दुल लतीफ मुगल भाई का ताल्लुक है फैसलाबाद से। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रोज की मोटरसाइकिल वनीजा अहमद अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है
आप अपनी छोटी को कराची छोड़ के आई हैं स्पेशली हमारे प्रोग्राम के लिए. वी आर ऑनर्ड. प्रोग्राम के एंड में हमारे डीजे डार्लिंग एक गाना पेश करते हैं, आपकी खिदमत में पेश करते हैं जी. जी डीजे. पहले डॉलिन लखा हुण थक गई साडियां अखा, हुण थक गई साडियां अखा, सामुक चले ने साडे ना मुकियां हाले उडीका, ओ बिन पखे दे राती उठ रोने दी ओ आदत पै गई सोने दी है दुनिया पिटन गई ओ आदत पै गई सोने दी जदों भी कसारे विच जा रही ट्रेन होवे कर दा नीलाम सोनिए, पर नकरां दी जकारी में इदारियां दी करके आराम सोनिए, बिना करंट तारा नाल होके लपका, वेख के सी एनजी लभदी फिर अखा मारन चमका, एने ने खर्चे ओ नवा चला, ओ चंगे रह गए जड़ टुर गए बार वे, ओ बिन पखे दे राती उठ रोने दी ओ आदत पै गई सोने दी